हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बात किया था कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम एंड ऑफ द डेटा डिस्कस करते हैं, ये बिग प्लेयर का डेटा है, लेकिन वो लाइव में क्या पोजिशन बना रहे हैं वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर निफ्टी इनिशियल में थोड़ा सा बुलिश लग रहा था, बैंक निफ्टी वहाँ पे क्या था, बेरिश था। तो आप देखें कि निफ्टी डेटा गेटिंग बुलिश ना होने मैसेज किया और उसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हमने पूरे चारों इंडाइसेस का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था यहाँ पे बता दिया। तो 22,583 का यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 22,428 का और न्यूट्रल पॉइंट 22,504 का। मार्केट इसी के पास पूरे दिन घूमता रहा। अगर आप डेटा देखेंगे तो इसी के आसपास पूरे दिन हो, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे शिफ्ट नहीं हो रहे थे। यानी डेटा के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो ये आपको न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब आपको बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का रेंज आज 283 पॉइंट्स का था। आप यहाँ पे देखें 283 पॉइंट्स का 48,050 का यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया था, सपोर्ट 47,767 का है और न्यूट्रल पॉइंट 47,009। यानी क्या है, सपोर्ट के पास से, रेजिस्टेंस के पास से मार्केट नीचे गिरता गया। तो क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया था। सेम 21,092 का यहाँ पे अगर फिन निफ्टी का देखें वो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 20,958, न्यूट्रल पॉइंट 21,025 का। तो मार्केट इसी के बेसिस पे चलता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस डेटा के बेस पे, ना कि प्राइस एक्शन। ये मार्केट का ग्रेविटी होता है जहाँ पे कि मार्केट एक ठहराव लेता है, यानी न्यूट्रल पॉइंट के आसपास। न्यूट्रल पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो बायर होते हैं, यानी आपको बायर नहीं कहे, जहाँ पर राइटर दोनों साइड के, जो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों साइड का, जहाँ पे क्या होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। यानी वहाँ पे क्या है, मार्केट रहना चाहेगा। ये कॉल राइटर यहाँ से क्या करेगा, धकेलेगा अपने तरफ से, पुट राइटर भी अपने तरफ से इसको पुल बैक देगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट स्टेबल होना चाहेगा, यानी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो, वो एक पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट। और ये बेस्ड ऑन द डेटा होता है, ये शिफ्ट भी होता रहता है अगर मार्केट डायरेक्शन रहा तो। तो ये हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था। इसके बाद देखिए रेंज बाउंड हमने मैसेज किया, पूरा रेंज बाउंड है मार्केट, ब्रेकआउट थोड़ा सा अपसाइड ही हो सकता है। तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें यहाँ पे देखें, आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ, आज 7th को मार्केट ओपन हुआ, एक नीचे कैंडल आया 943, ये इस वाले कैंडल को 930, ये पूरे कैंडल 915 से, इसके बाद नीचे आया, नीचे से 1045 के ऊपर गया और एक जो 22,500 का जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट था, पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा 30-40 पॉइंट में, 30-40 पॉइंट्स में पूरे दिन वहाँ पे प्रीमियम गिराया गया। तो ये है न्यूट्रल पॉइंट्स का दोस्तों बेनिफिट्स। अगर आप राइटर हैं तो बहुत अच्छा खासा इससे पैसा बना सकते हैं, बायर भी तो मोमेंटम में पैसा बना सकते हैं, नहीं तो आप पैसा तो एटलीस्ट लूज नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अभी न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अभी अगर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी, कल तो मार्केट की हॉलीडे है, यानी मंडे को 22,520, ये अभी क्या है, यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस है अभी मार्केट में। ये जब तक ब्रेक नहीं करता है, ये ब्रेक करेगा तो ऊपर में एक और जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,560 के लेवल का, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये आपका लेवल है। ये दोनों डेटा के ऊपर है, यहाँ से जैसे आएगा इसके बाद नेक्स्ट नीचे का लेवल आप देखें 22,400 का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट इस लेवल को फिर टच किया, रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर इस लेवल को सीधा ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। तो एक लेवल जो 22,400 का निकल के आ रहा है, ये भी लेवल एक इसके लिए क्या है, सपोर्ट है। जैसे 22,400 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 22,280 के लेवल को मार्केट टच कर देगा, यानी ये लेवल रहेंगे नीचे में। और ये अगर एक्सटेंड होता है और डाउन में 22,233 का। तो अगर हम चार लेवल, पांच लेवल की बात करें निफ्टी में, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, यानी फर्स्ट R1 कहीं, ये हमारा आपको 22,520, और सेकेंड R2 यानी R2 कहा जाए तो 22,570, ये हमारा दो रेजिस्टेंस है। न्यूट्रल पॉइंट अभी का 22,240 का है और सपोर्ट के तौर पे 22,340 का, 22,280
टू का ये सपोर्ट दो निकल के आ रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखेंगे, डेटा भी देखेंगे हम, तो बैंक निफ्टी भी सेम आज पूरे दिन उसी लेवल पे, यानी आपको जो रेजिस्टेंस था 48,100 के लेवल को, वहाँ से जो टच नहीं किया 48,072 मैक्सिमम हाई लगाया और उसके बाद नीचे नीचे ही आता गया, क्योंकि बैंक निफ्टी बेरिश था। बैंक निफ्टी का न्यूट्रल पॉइंट 47,890 का था, आप डेटा पर देख सकते हैं, जो इसी के आसपास था, यानी यहाँ पे वो टच किया तो 40, देखिए ये आपको न्यूट्रल पॉइंट 47,900 के पास, 47,900 का जो लेवल है 895, पूरे दिन यहीं पे ट्रेड करता रहा पूरे दिन बैंक निफ्टी, और नीचे 47,746 का लेवल टच किया जो एक सपोर्ट लेवल था, 47,767 का सपोर्ट लेवल था। ये पूरे डेटा के ऊपर सपोर्ट यहाँ पे लिया, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होंगे, यानी R1 कहा जाए 47,900 का, 47,900 का, और R2 48,680, ये हमारा R2 यानी रेजिस्टेंस 2 हुआ। अभी सपोर्ट 47,750 का, ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट है, यहाँ से नीचे थोड़ा सपोर्ट है, ये अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर 47,500 का, और ये एक्सटेंड होके 47,400 का लेवल, ये दो हमारे सपोर्ट रहेंगे और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में, इसी लेवल में बैंक निफ्टी मंडे को ट्रेड करेगा। मिड कैप निफ्टी का जो हमारा टारगेट था फिन निफ्टी का, तो 21,055 का एक रेजिस्टेंस था, इस लेवल को क्या किया, टच किया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 21,170 का पहला रेजिस्टेंस R1, और R2 हो जाएगा 21,260 का, सपोर्ट 20,930 का, 20,930 का फर्स्ट सपोर्ट यहां से लेगा, और नीचे वाली सपोर्ट 20,800 का, ये दो सपोर्ट हैं, ऊपर के दो रेजिस्टेंस हैं, इस लेवल के आसपास मिले आप ट्रेड कर सकते हैं 21,055 के लिए। ये हमारा क्या है, आपको फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का जो हमने बात किया था न्यूट्रल पॉइंट 10,900 के लेवल था, उसी लेवल में आज पूरे दिन ट्रेड किया हमारा मिड कैप निफ्टी, तो अभी उस लेवल को नीचे ब्रेक किया है, 10,920 के लेवल को ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट इसका टारगेट 10,840 का, 10,800 का, अगर ये 800 एक्सटेंड करता है नीचे 10,760, तो ये हमारा आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड नीचे के टारगेट रहेंगे। ऊपर साइड में अभी 10,950 का ये रेजिस्टेंस है, यानी आपको इसमें इसको एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे ये ब्रेक कर देगा तो फिर 11,000 का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, मार्केट अगर ऊपर में मिलता है तो आप सेल करिए। FII यहाँ पे कैश में अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग किया, लगभग 7,300 करोड़ की बाइंग किया है, DII ने भी बाइंग किया है, मार्केट वैसा चला नहीं है, ये सब कुछ अपन टेलीग्राम चैनल पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो आप अगर चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल, यानी आपको इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मिनिमम सीट बचा है दोस्तों, आप इस नंबर पे संपर्क करके। चलिए हम डेटा की बात कर लेते हैं कि आज क्या पोजिशन बना हुआ है, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में कि FII प्रो एंड DII हमारे फ्यूचर में क्या पोजिशन कैरी कर रहे हैं, इनका क्या पोजिशन बन रहा है, थोड़ा डिटेल में यहाँ हम देखेंगे। अभी आप यहाँ देखें 29th हमारा क्या है फरवरी से क्या पोजिशन बन रहा है, ये थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन कैरी कर रहे हैं, यानी अगर 5 डे की इनके ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो 5 डे में इन्होंने लगभग 20,000 की लॉन्ग पोजिशन बनाई है, थोड़ी सी इन्होंने शॉर्ट पोजिशन भी 14,000 की बनाई है, लेकिन आज उन्होंने क्या किया, पोजिशन क्लोज कर दिया, जो भी 14,000 इनका शॉर्ट का पोजिशन था वो उन्होंने आज क्लोज कर दिया, यानी धीरे धीरे ये लॉन्ग हो रहे हैं। कैसे, यहाँ पर 29th का जिस दिन एक्सपायरी था 13% था इनका, अभी सिर्फ 5% शॉर्ट पोजिशन बचा हुआ है, तो अगर कोई अपना शॉर्ट क्लोज कर रहा है दैट मीन्स उनका बेयरिश अब यहाँ से बंद हो रहा है, वो अब नहीं चाह रहे कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ भी आप देख सकते हैं 68,000 से 86,000 इनका क्या होगा, लॉन्ग हो गया, और 171, 127 से यहाँ 120 शॉर्ट हो गया, यानी शॉर्ट थोड़ी क्लोज कर रहे हैं।
तो ये डेटा हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे जो समरी में होता है। ऐसे हम प्रो की थोड़ा देखेंगे। तो प्रो यहाँ पे अभी इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन भी बनाई, आज उन्होंने लॉन्ग पोजीशन अपना बुक कर लिया। जो भी उन्होंने 2 दिन की पोजीशन बनाई थी वो आज उन्होंने बुक कर लिया। शॉर्ट साइड भी वो बिल्कुल नहीं है, यानी देखा जाए तो इनके पास न्यूट्रल पोजीशन है। आप यहाँ 55,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया है, 54,400 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया। यहाँ क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है दोनों साइड, प्रो हमारे प्रो न्यूट्रल है। अब डीआई और क्लाइंट क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे देखिए इनकी पोजीशन जो बनी हुई है, 1 मार्च की इन्होंने 69,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में लॉन्ग किया, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए। यानी दो दो इनके पार्टीशन है, दो पार्ट हैं। मैं अगर आप हूँ तो मैं यहाँ पे लॉन्ग हूँ, आप यहाँ पे शॉर्ट हैं। अगर दो लोग ऐसे हैं तो समझिए किसको ज़्यादा नुकसान होगा, दोनों में से इन्हीं को नुकसान होना है। फोर्थ को भी इन्होंने क्या किया, 34,000 लॉन्ग किया, 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया। फाइव को 44,000 लॉन्ग, 48,000 शॉर्ट। आज सिक्स को उन्होंने 30,000 शॉर्ट किया, यानी नेट टू नेट इनकी शॉर्ट की पोजीशन अब यहाँ पे बढ़ रही है। देखा जाए तो देखिए 15%, 14%, 17%, 17%, 13%, अभी 9% ही ओनली ये लॉन्ग हैं। यानी एक अच्छी खासी क्वांटिटी ये शॉर्ट साइड बना रहे हैं, लॉन्ग साइड भी बना है लेकिन शॉर्ट साइड ज़्यादा बन रहा है। दैट मीन्स वो धीरे धीरे फ्यूचर में बेरिश हो रहे हैं, जबकि FII बुलिश हो रहा है और DII एज यूजुअल यहाँ पे अपनी पोजिशन जैसे कि तैसे कैरी कर रहा है। तो ये डिटेल में एनालिसिस आप समझ सकते हैं, यही हम यहाँ पे डेटा दिखाते हैं। अगर आप इस वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होगी। नेट टू नेट में रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट आज फिर लॉन्ग किया, शॉर्ट क्लोज किया, तो ये 50 से 60,000 यानी और बुलिश हो गए। DII यहाँ पे देखा जाए तो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया, अभी शॉर्ट करके बैठा हुआ। FII भी 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, आज उन्होंने शॉर्ट क्लोज भी किया, 46 से 33, यानी ये एक बेरिस पैटर्न का बन रहा है। और प्रो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट परसेंटेज भी देख सकते हैं कि ये लॉन्ग का परसेंटेज है, ये शॉर्ट का, ये नेट परसेंटेज है। और ये क्या, 5 डेज में उन्होंने जो पोजिशन बनाई, क्वांटिटी है इसका, और ये एवरेज प्राइस है हमारा किसका, ये रिटेल ट्रेडर का, DII का, FII एंड प्रो का। और ये जो शॉर्ट पोजीशन बना है उनकी क्वांटिटी और एवरेज प्राइस, इससे मार्केट का आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा डेटा हमारे फ्यूचर का। ऑप्शंस में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर कॉल बाई करके गया है 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट साइड उसने क्या किया, 1,46,000 सेल करके गया, पुट सेल कॉल बाई यहाँ पे वो बुलिश है। DII यहाँ पे न्यूट्रल है, FII थोड़ी सी यहाँ पे कॉल बाई किया है, लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट साइड उसने आज कुछ नहीं किया, पुट साइड ऑलरेडी उसके पास 1,25,000 पुट की बाइंग पड़ी हुई है। तो नेट नोट यहाँ पोजीशन उसका हैज है, 93,000 कॉल बाई, 1,25,000 पुट बाई, ये पोजीशन हैज करके थोड़ा सा बेयरिस, यानी बेयरिस बायस है। और प्रो प्रो के पास जो कॉल की बाइंग थी वो आज उसने क्लोज कर दिया, ओनली 9,000 यहाँ पर रहा, तो कॉल साइड न्यूट्रल है और पुट साइड उसका नेट टू नेट यहाँ पे बाइंग में आ गया। तो अब जो कॉल में बाइंग था वो पुट में आ गया, यानी ये बेरिस पोजीशन कैरी कर रहा है। तो डेटा आपके सामने है, बड़ा प्लेयर यहाँ पे बेरिस पोजीशन अभी कैरी कर रहा है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट जानकारी अब तक पहुँच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर लाइव का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइव में डेटा हो रहा है। बाकी मैं 1-2 वीक में लाइव आपको सैटरडे या संडे में लाइव है, यहाँ पे स्टॉक्स के और ऑप्शंस के भी आपको एनालिसिस होने वाला है। तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि टाइमिंग कौन से आप टाइमिंग चूज करना चाहते हैं, जहाँ से हम लाइव कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी कितने समय देखने के लिए। डिस्क्लेमर है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपनी फाइनेंशियल एडवाइस जरूर सलाह लीजिए।